आज जो भी बातें कोर्ट के सामने निकल कर आई, उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई रंगे हाथों झूठ बोलते हुए कोर्ट के सामने पकड़ा गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के सामने कोर्ट के जज ने खुद ये माना कि सीबीआई जो कह रहा है और जो प्रमाण उसके पास है उसमें कोई तालमेल नहीं है। इस पूरे दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मैटर में पिछले 2 साल से इंटरोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बार बार आम आदमी पार्टी क्या कहते आ रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, बनावटी है। सीबीआई और ईडी केवल और केवल भाजपा के आदेश पर उलट पुलट केस बना रहे हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डालने के लिए। बार बार हमने तथ्यों के साथ बताया कैसे फर्जी गवाहों के आधार पर ईडी सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को जेल के अंदर डाल रही है। आज भी जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो सीबीआई ने क्या कहा, सीबीआई ने आउट ऑफ द ब्लू उनके वकील ने एक स्टेटमेंट कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस मैटर से अपना पल्ला झाड़ दिया है, सारा का सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया है। जब ये सीबीआई ने कहा तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी खुद खड़े हुए और उन्होंने साफ कोर्ट के जज के सामने कहा कि जज साहब, सीबीआई पूरी की पूरी तरह से झूठ बोल रही है, ये मैंने कभी नहीं कहा, ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं दिया। और उन्होंने साफ कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और उन्होंने चैलेंज किया कि सीबीआई दिखाए कि उन्होंने कब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि पल्ला झाड़ दिया है, मैं नहीं कोई और दोषी है। तो तब जज साहब ने इंटरवीन किया, जज साहब ने कहा सीबीआई के वकील को कि नहीं, आप मुझे इनका स्टेटमेंट दीजिए, मैं खुद एग्जामिन करूंगा। और जब जज साहब ने एग्जामिन किया तो उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, सीबीआई का जो दावा है वो पूरा का पूरा झूठा है। इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत बड़ी घटना है कि कोर्ट में रंगे हाथों सीबीआई केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हुए पकड़ी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना सबमिशन कोर्ट के सामने रखा तो उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई की मंशा क्या थी, सीबीआई की मंशा थी कि ऐसा एक स्टेटमेंट दे दे तो सारा मीडिया सेंसेशनलाइज हो जाएगा, कल के अखबारों में हेडलाइन छपेगी, सारे टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम रोक देंगे और बोलेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल ने अपना अपना पक्ष किनारे किया, किसी और को दोषी ठहराया। तो जज साहब ने यह माना कि सीबीआई ने पूरे गलत तरीके से यह अपना दावा किया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फाइनली जो शुरुआत से आम आदमी पार्टी कहते आ रही है कि भाजपा के राज के अंदर ईडी और सीबीआई का प्रयोग केवल और केवल मीडिया मैनेज करने के लिए, मीडिया को सेंसेशनलाइज करने के लिए किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया की, सारे हमारे नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, वो आज सच साबित हुआ।